सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के इवेंट के बारे में कि एप्पल ने इवेंट में क्या बात करी थी। दोस्तों, 7 जून को एप्पल का इवेंट हुआ था जिसमें उसने अपना OS 15 लॉन्च किया है। लेकिन मैं आपको दोस्तों शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो इवेंट चला था 7 जून को, वो चला था काफ़ी बड़ा, अप्रॉक्स 1 आवर एंड 30 मिनट्स का वो इवेंट चला था। तो मैं कोशिश करूँगा आपको सारी बातें मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता पाऊँ, वो भी थोड़े टाइम में। तो दोस्तों, एप्पल ने अपने सारे गैजेट्स के लिए न्यू iOS लॉन्च करा था। एप्पल iOS, आईपैड OS के लिए, मैक OS, टीवी OS एंड वॉच OS। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता पाऊँ, बाकी टाइम वेस्ट करे बिना दोस्तों वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो iOS 15 एप्पल ने लॉन्च किया है मेन आईफोन के लिए, उसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स हैं। पहले फीचर के साथ स्टार्ट करें तो वो मैप का फीचर है, जिसमें आपको 3D मैप्स देखने को मिल जाएंगे। मैप्स बिल्कुल न्यू 3D लुक्स में कुछ कंट्रीज से स्टार्टिंग होगी, अभी कुछ कंट्रीज़ के लिए, कुछ कंट्रीज़ के एंड ऑफ द ईयर तक आ जाएंगे। बाकी उसके अगले अपडेट की बात करें तो दोस्तों, सफारी है, सफारी में काफ़ी न्यू फीचर्स आए हैं ब्राउज़ से रिलेटेड। लाइक इसमें टैब स्विचिंग का ऑप्शन बिल्कुल चेंज कर दिया गया, काफ़ी अच्छा तरीका करा गया जिससे आप टैब स्विच कर सकते हैं बहुत इजीली। और उसके अगले फीचर की बात करें दोस्तों, तो उससे अगला फीचर आता है लाइव टेक्स्ट। तो आप कैमरे में फ़ोटो खींचे बिना किसी भी टेक्स्ट को लाइव टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कॉपी करके किसी को भी भेज सकते हैं या अपने पास नोट्स में कॉपी करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, एक फीचर आया है जिससे कि आपका बैकग्राउंड की वॉइस कट जाएगी और अपने दोस्तों के साथ फेस टाइम करते करते म्यूजिक्स इंजॉय कर सकते हैं, वीडियोस इंजॉय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब दोस्तों के साथ आराम से म्यूजिक वीडियोस इंजॉय कर सकते हैं फेस टाइम के साथ, तो काफ़ी बढ़िया फीचर है। और आप बैकग्राउंड नॉइज़ भी कट कर सकते हैं इसमें, अपनी आपकी बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए। एक दोस्तों और फीचर है जिससे कि आप अपने एयरपॉड्स आराम से ढूंढ सकते हैं, अगर वो गुम हो गए, अगर आप उनको कहीं छोड़ देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा और आप उनको ट्रैक भी कर सकते हैं, जब वो आपके आसपास हों तो फिर आप उनको रिंग कर दो। तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों ये भी। तो इसमें एक न्यू फीचर है आई क्लाउड प्लस, जिससे कि आपकी प्राइवेसी और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। मतलब अपना IP एड्रेस हाइड कर सकते हैं, अपनी ईमेल चेंज कर सकते हैं, अपनी ईमेल हाइड कर सकते हैं और मेल भेज सकते हैं किसी को भी। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज के चार्ज नहीं है, आई क्लाउड के साथ इंक्लूडेड। और टैब में भी काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं, मतलब न्यू विडजेट्स हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। काफ़ी अच्छी ग्रुपिंग का मेथड है कि आप अपने सारे ऐप्स ग्रुप कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं। और काफ़ी अच्छे न्यू विडजेट्स भी देखने को आपको मिलेंगे आईपैड में, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं तो यूनिवर्सल कंट्रोल आया, जिससे कि आप अपने मैकबुक या iMac और टैब को इकट्ठे ज्वाइन करके किसी के भी माउस से आप टैब भी यूज़ कर सकते हैं, iMac भी, मैकबुक भी, किसी के भी माउस से। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, और आप कोई भी चीज़ कहीं भी शेयर कर सकते हैं, लाइक आप टैब से लेके सीधा अपने iMac में ले गए। बाकी दोस्तों, इसमें हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी सारे न्यू फीचर्स आए हैं, जैसे कि हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप है इसमें, जो आपको मॉनिटर करेगा और देखेगा कि आपकी हेल्थ सही ट्रैक पर है कि नहीं। इसमें साथ में दोस्तों एप्पल कार्ड्स भी आ रहे हैं, जिसमें कि आपकी होम कीज़ होंगी, जिसमें आपके कार्ड्स जैसे अभी नॉर्मली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स होते हैं, बाकी आप इसमें अपनी होम की कीज़ डाल सकते हैं, अपनी गाड़ी की कीज़ डाल सकते हैं। काफ़ी कुछ न्यू इंटरेस्टिंग आने वाला है iOS 15 में। तो अब दोस्तों बात करें सीरी की, तो सीरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। अब सीरी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हमें काफ़ी ज़्यादा थर्ड एप्लीकेशंस में मिलता था, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में मिलता था, जैसे थर्ड पार्टी गैजेट्स होते थे, वैसे अब सीरी भी थर्ड पार्टी गैजेट्स में देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, इसमें यूज़र्स के साथ साथ डेवलपर्स के लिए भी काफ़ी कुछ नया निकाला गया है, डेवलपर्स की कोडिंग के लिए भी काफ़ी कुछ निकाला गया है जो इसमें काफ़ी अच्छा है। मतलब काफ़ी नई सारी कोडिंग फीचर्स लाए हैं, जैसे कि स्विफ्ट लाए हैं, गेम आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। जो भी डेवलपर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ, आप सिर्फ एक फ़ोटो, एक ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींचिए, उसको 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें। मतलब 3D ऑब्जेक्ट आपको बनाना नहीं, उसकी बस फोटोज़ क्लिक करो और उसको 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। तो डेवलपर्स किसी की चीज़ की भी फोटो खींच के सिंपली उसको 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स निकले हैं दोस्तों iOS 15 में। तो दोस्तों, मेनली एप्पल के इवेंट में यही था कि उन्होंने इस बार जो 7 जून को इवेंट करा, उसमें उन्होंने सारे के सारे OS लाए हैं, न्यू OS लाए हैं iPhones के लिए, iPads के लिए, MacBook के लिए, TV OS भी न्यू आया, वॉच OS भी न्यू आया। तो मतलब आपको अपने जितने भी एप्पल डिवाइसेज हैं उन सब में न्यू OS देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग OS है और काफ़ी सारे फीचर्स हैं। दोस्तों, अगर आपको डिटेल में देखना है कि हर एक में न्यू OS में क्या फीचर्स आ रहे हैं, तो आप एप्पल की वेबसाइट पे देख सकते हैं उनके इवेंट को, या यूट्यूब पे भी एप्पल के पेज पे जाकर आप उनका इवेंट देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल वीडियो मिलेगी पूरी। ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी दोस्तों कि बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाऊँ, उसमें बस बताऊँ कि मेनली क्या हुआ था एप्पल के इवेंट में। बाकी आप 1.5 घंटे का एप्पल का इवेंट देख के
पूरी डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या न्यू चेंजेस हैं, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं जो कि इसमें बहुत सारे अभी मैंने कम बताए, क्योंकि अगर मैं सारे फीचर्स बताता अगेन तो वही हो जाता दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो मेन एप्पल ने यूज़र्स के लिए और डेवलपर के लिए दोनों के लिए सोच कर काफ़ी सारे न्यू फीचर्स लाए हैं अपने न्यू OS में। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।